नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक पहेली बन गई है। सुशांत की मौत के 1.5 महीने बाद कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। ऐसा एक होनहार कलाकार डिप्रेशन का शिकार हुआ और कैसे उसने मौत को गले लगा लिया, इसकी जांच में जुटी पुलिस को नई नई सच्चाइयां पता चल रही है। बिहार पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू से भी पूछताछ की, जिसके बाद ये पता चला कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करती थी। मीतू सिंह ने यह भी बताया कि सुशांत के मन में डर इस कदर बैठ गया था कि अपनी मौत से 8 महीने पहले उन्होंने मुंबई के बांद्रा इलाके में कैप्री हाइट्स बिल्डिंग सिर्फ इसलिए खाली कर दी थी क्योंकि उन्हें इस बात का शक था कि उस घर में भूत प्रेत जैसी कोई चीज है। मुंबई के बांद्रा पाली हिल इलाके में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से पहले जो घर था वो ये घर था। यहाँ पर कैप्री हाइट्स की ये इमारत है। सुशांत खुदकुशी मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश, भूत प्रेत से जुड़ा खुदकुशी का केस। पाली हिल जो है उसको कहा कि इसमें भूत प्रेत रहता है, उसको वहां से दूसरी जगह अपनी चापलूसी से शिफ्ट कराया। काले जादू की कहानी आई सामने। वो ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत की बातें करती थी। उसके बाद सुशांत ने इस पूरी इमारत को खाली करके दूसरे घर में चले गए थे। रिया के परिवार तक पहुंची खुदकुशी की आंच। प्यार, पैसा और धोखे में उलझी सुशांत की मिस्ट्री। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिससे इतना तो साफ ही हो जाता है कि सुशांत की खुदकुशी का मामला बेहद उलझा हुआ है और इसमें बहुत से पेच हैं। न्यूज 18 को सुशांत की खुदकुशी से जुड़ी एक सनसनीखेज जानकारी मिली है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब तक इस मामले की जांच में इतने पहलू सामने आ चुके हैं कि पुलिस भी शायद उलझ गई है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि सुशांत की खुदकुशी मामले से जुड़े कितने पहलू अब तक जांच में सामने आ चुके हैं। सुशांत खुदकुशी मामले में जो सबसे नया पहलू सामने आया है वो है भूत प्रेत की थ्योरी। इसके साथ ही काले जादू का भी नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाला जाना भी अब तक राजी बना हुआ है। इन सब के साथ ही सुशांत के बैंक खाते, सुशांत की बनाई कंपनियां, उनकी गर्लफ्रेंड रिया और रिया का परिवार भी अब जांच के घेरे में आ चुके हैं। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी पुलिस को बयान दिया है। सुशांत की खुदकुशी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में गुटबाजी को लेकर भी जांच जारी है। की खुदकुशी को लेकर अब जो सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आया है वो है भूत प्रेत और काले जादू का। भूत प्रेत का मामला सामने आया बिहार पुलिस की पूछताछ में। सुशांत के पिता के एफआईआर दर्ज कराने के बाद पटना से बिहार पहुंची बिहार पुलिस ने 3 लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी और उनके पुराने कुक और बहन का बयान दर्ज किया जिसमें भूत प्रेत की थ्योरी सामने आई। सुशांत के करीबियों ने बताया कि रिया भूत प्रेत में विश्वास रखती थी और सुशांत के पुराने घर में अचानक भूत प्रेत दिखने लगे। दावा किया जा रहा है कि सुशांत ही नहीं बल्कि घर के नौकरों को भी घर में भूत प्रेत नजर आते थे। सुशांत की बहन के मुताबिक रिया सुशांत के फ्लैट में तांत्रिकों को लेकर आती थी जो सुशांत के फ्लैट पर तांत्रिक पूजा करते थे। रिया ने एक तांत्रिक से सुशांत को ताबीज भी दिलाया था। 2019 में वो सुशांत सिंह राजपूत इसी इमारत में जो रहते थे वहाँ से वो मकान खाली करके चले गए थे और 15th या 16th फ्लोर पे वो रेंटेड फ्लैट था उनका, वहाँ से खाली करने के बाद वो वापस चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने कार्टर रोड में अपने दूसरा घर जो है वो किराए पे लिया था। इसी के बाद जो रिया और सुशांत सिंह राजपूत की जो फैमिली है जो पटना में रहती है उन्होंने एलिगेशन लगाए थे रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि उन्होंने वो ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत की बातें करती थी। उसके बाद सुशांत ने इस पूरी इमारत को खाली करके दूसरे घर में चले गए थे। सुशांत के घर वालों का आरोप है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने भूत प्रेत की बात कहकर सुशांत का घर बदलवा दिया और उन्हें नए घर में रहने के लिए राजी किया। पाली हिल जो है उसको कहा कि इसमें भूत प्रेत रहता है तो उसको वहाँ से दूसरी जगह अपनी चापलूसी से शिफ्ट कराया, जो वर्तमान में घर में सुसाइड जो हुआ है उस घर में ले गया। पुलिस अब सुशांत की जिंदगी से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश में, लेकिन इस मामले में सुशांत के परिवार का हर सदस्य रिया पर ही उंगली उठा रहा है। पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान भी दर्ज किया है जो रिया पर आरोपों की बौछार कर रही है।
सुशांत की बहन नीतू के मुताबिक सुशांत पिछले 3 महीनों से काफी परेशान थे और रिया उन्हें अलग अलग बहानों से टॉर्चर कर रही थी। मीतू का कहना है कि रिया ने सुशांत को प्यार के जाल में फंसाया और फिर सुशांत के क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते पर कब्जा कर लिया। सुशांत की बहन ही नहीं बल्कि सुशांत के परिवार का हर सदस्य रिया पर उंगली उठा रहा है। सुशांत के चाचा से जब न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने भी इसका सारा रुपया पैसा अकाउंट का वगैरह ATM कार्ड का बहुत सारा कागजात वगैरह लेकर के चली गई है, तो इसमें लगता है कि रिया चक्रवर्ती का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सुशांत की बहन मीतू ने रिया पर यह भी आरोप लगाया है कि रिया सुशांत के परिवार के किसी भी सदस्य को पसंद नहीं करती थी और वो एक सोची समझी साजिश के तहत सुशांत को घर वालों से दूर कर रही थी। बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में मीतू ने इस बारे में खुलकर बताया, मैं या मेरी दूसरी बहनें जब सुशांत से मिलने आती थीं, तो उन्हें बिल्डिंग के नीचे घंटों इंतजार करवाया जाता था। जब तक रिया घर नहीं आ जाती थी, हमें घर में जाने नहीं दिया जाता था। रिया मेरे और मेरी बहनों के घर आने पर सुशांत से झगड़ा करती थी, जबकि रिया की माँ संध्या चक्रवर्ती हमेशा सुशांत के घर में ही रहती थी। रिया और उनके परिवार के लोग सुशांत को धमकी देते थे कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा। इस तरह रिया और उसके परिवार ने सुशांत के घर पर कब्जा कर लिया था और सुशांत चाहकर भी ये रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे थे क्योंकि रिया सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी। सुशांत खुदकुशी मामले में एक तरफ भूत प्रेत का मामला सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ पैसों की हेरा फेरी के भी सुराग मिल रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि इसके तार भी रिया और उनके परिवार से जुड़ते हैं। सुशांत की जिंदगी के कई ऐसे पन्ने हैं जो अब एक एक कर खुल रहे हैं। इन्हीं में से एक है सुशांत की बनाई कंपनियों का सच। दरअसल सुशांत ने 4 कंपनियां बनाई थी। इनमें से एक कंपनी में पूरा का पूरा पैसा सुशांत ने ही लगाया था, लेकिन पुलिस की जांच में अब ये निकल कर आ रहा है कि इन सभी कंपनियों में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का ही सिक्का चलता था। रिया ने अपने परिवार को इन कंपनियों में शामिल कर लिया था। रिया के पिता से लेकर उनके भाई तक इस कंपनी में डायरेक्टर के पद पर थे। यही नहीं, इनमें से कुछ कंपनियों के पते पर रिया के पिता का एड्रेस था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रिया ने सुशांत की बनाई कंपनियों पर कब्जा कर लिया था? क्या ये भी सुशांत की आत्महत्या के पीछे की एक वजह हो सकती है? सुशांत सुइसाइड मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, किसी थ्रिलर फिल्म की तरह इससे जुड़े नए नए सच सामने आते जा रहे हैं। अब तक जो मामला प्यार और धोखे के इर्द गिर्द घूम रहा था, अब उसमें पैसे की भी एंट्री हो गई है। सुशांत खुदकुशी मामले के तार अब 15 करोड़ रुपए के बाद कुछ कंपनियों से भी जुड़ रहे हैं। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले। सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले जाने की बात सुशांत के पिता की दर्ज कराई गई FIR में भी कही गई। इसके बाद बिहार पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। इस सिलसिले में बिहार पुलिस अब उन बैंकों के चक्कर काट रही है जहां सुशांत के खाते थे। यहाँ सुशांत के अकाउंट था, आप लोग उसी पर ले लेते। सुशांत के बैंक खातों की जांच में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED भी जुड़ गया है। इस बीच जांच में कुछ कंपनियों के नाम भी सामने आए जिन्हें सुशांत ने बनाया था। इन कंपनियों के दस्तावेज खंगालने पर खुदकुशी मामले में रिया और उनके परिवार को लेकर गुत्थी और उलझ जाती है। पुलिस को सुशांत की 4 कंपनियों के बारे में पता चला है जिनके तार बेहद उलझे हुए। सुशांत ने विविड रेज रियलिटिक्स नाम की एक कंपनी बनाई। ये कंपनी नवी मुंबई की साई फॉर्च्यून बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 503 पर रजिस्टर्ड थी और हैरानी की बात यह है, इस फ्लैट के मालिक रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और कंपनी के निदेशक रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती। सुशांत की कंपनियों को लेकर जांच आगे बढ़ी तो एक और कंपनी सामने आई। इस कंपनी के दस्तावेज जब खंगाले गए तो एक नई कहानी सामने आई। ये भी हैरान करने वाला पहलू है। सुशांत की दूसरी कंपनी का नाम फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन है, लेकिन ये कंपनी भी नवी मुंबई की साई फॉर्च्यून बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 503 पर रजिस्टर्ड, यानी रिया के पिता के नाम के फ्लैट पर, और इस कंपनी के निदेशक भी रिया के परिवार के सदस्य ही है। सुशांत की कंपनियों के तार को पुलिस जितना सुलझाने की कोशिश कर रही है वो उतना ही उलझते जा रहे हैं। अब तक की जांच में सुशांत की कंपनियों से जुड़े जो सच सामने आए हैं उससे रिया और उनके परिवार की मुश्किलों का बढ़ना तय।
पुलिस को अब तक सुशांत की चार कंपनियों के बारे में पता चला है, जिसमें से दो कंपनी एक ही पते पर रजिस्टर्ड है और इन चारों कंपनियों में रिया और उनके परिवार के लोग डायरेक्टर हैं। पुलिस को कंपनियां बनाने के नाम पर पैसों की हेराफेरी का शक है और माना जा रहा है कि सुशांत के 15 करोड़ का भी इन कंपनियों से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। सुशांत सुइसाइड केस में अब इन कंपनियों और 15 करोड़ रुपए को काफी अहम माना जा रहा है। अभी तक कोई भी नतीजा सामने इन्वेस्टिगेशन का सामने नहीं निकला, इसीलिए उन्होंने एफआईआर किया। एफआईआर को हमने देखा है, एफआईआर में जो बातें उठाई गई हैं वो गंभीर बातें हैं। उनके बेटे के अकाउंट से 17 करोड़ डाइवर्ट हो गया। किसने डाइवर्ट किया, कैसे डाइवर्ट किया, ये सारी बातें को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था और लोगों की यही मांग है कि सच्चाई सामने आवे, इन्वेस्टिगेशन सही हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। सुशांत मामले की सीबीआई जांच की भी मांग उठ रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती इसका विरोध कर रही है। यहाँ तक कि वो सीबीआई जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। इससे ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है जो रिया छिपाना चाहती है। और अब देश में बाढ़ से मचे हाहाकार की। पूरा देश इस वक्त सैलाब का सितम झेलने को मजबूर है। बिहार से लेकर असम और पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। प्रशासन लोगों तक मदद पहुंचाने में नाकाम है। सबसे बुरा हाल है बिहार का, जहां की 19 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बिहार के 12 जिलों के 40 लाख लोग सैलाब से त्राहिमाम हैं, लेकिन सिस्टम तक इन लोगों की चीख नहीं पहुंच रही है। बिहार की जनता कोरोना और बाढ़ से दाने दाने को मोहताज हो गई है। कई जगहों पर हाल तो इतना बुरा है कि लोग पेड़ों की टहनियों पर रह रहे हैं। देखिए कैसे बिहार एक बार फिर बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। पानी का प्रहार ऐसा कि पत्थरों पर टिकी जिंदगी के पांव भी उखड़ते नजर आ रहे हैं। जल प्रलय सब कुछ अपनी आगोश में लेने पर आमादा दिखाई दे रहा है। मॉनसून में बादल इस कदर बरस रहे हैं कि गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। पेड़ों पर लोग चारपाई डालकर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। गृहस्थी उजड़ चुकी है और बाढ़ से बेहाल लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। जुगाड़ की नाव ही इन दिनों बाढ़ पीड़ितों का इकलौता सहारा है। मैदानी इलाकों का हाल तो बेहद बुरा है, लेकिन पहाड़ों पर तो जैसे आफत बरस रही है। नदी नालों की तेज धार मकानों की बुनियाद हिला रही है, गाड़ियां दलदल में फंस रही हैं, तो गांवों में सैलाब के शोर से दहशत पैदा होने लगी है। सबसे पहले देखिए कैसे बिहार में जल तांडव से हाहाकार मचा। पिछड़े राज्यों में गिना जाने वाला बिहार हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ से कराह रहा है। कोरोना वायरस के साथ सैलाब ने यहां के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हजारों लोगों के खेत खलिहान घर मकान पानी में बह चुके हैं। लाखों लोग बेघर होकर अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की ओर पलायन को मजबूर हैं। स्थिति बेहद भयावह है। लोग भूखे प्यासे हैं, तो इनका दर्द बांटने और उस पर मदद का मरहम लगाने वाला कोई नहीं। बागमती नदी के पानी ने दरभंगा के लोगों की जिंदगी नरक बना रखी है। गले तक पानी में लोग तैर कर आने जाने को मजबूर हैं। यहां कच्चे मकान सैलाब में समा चुके हैं। सड़कों का तो अता पता ही नहीं है। फसल चौपट हो गई, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। पकाने के लिए घर में सिर्फ मक्का ही है, जिसे लोग मजबूरी में गूंथ कर रोटी बना रहे हैं और नमक और मिर्च के साथ खा रहे हैं। सरकारी मदद लोगों के लिए उस उम्मीद की तरह हो चली है जो कभी पूरी ही नहीं होती। हम बाढ़ प्रभावित कुशेश्वर स्थान में हैं और देखिए यहाँ की तस्वीर, दूर दूर तक केवल बाढ़ का पानी दिख रहा है और एक झोपड़ी नुमा ये मरई, जिसको हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो भी पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। एक बुजुर्ग शख्स जो है वो यहाँ पर खाट के ऊपर पड़े हुए हैं, मचान बनाया गया है और लोग जो हैं वो भी यहाँ पर। थोड़ी घर की स्थिति देखिए, बाढ़ में बहुत कम बचा है, यहाँ पर जो ज़मीन है बहुत कम है और इसी में एक तरफ देखिए व्यवस्था कैसी है। जो झोपड़ी नुमा घर है उसमें गाय बंधी है, गाय के बगल में खाट है, यानी इस बाढ़ की विभीषिका ने आदमी और पशु का अंतर जो है वो मिटा दिया है। रोज यही बन रहा है अभी? रोज यही बनाती हैं? रोज बनाती हैं। और बनाने के लिए कुछ नहीं आपके पास? नहीं, नमक रोटी खाए छे दहार में की खाए का?
जे निमक रोटी मिले छे से खाय छिए बाल बच्चा निमक रोटी खाय ले दै छिए कहलक ई नहीं खेबो ऊ नहीं खेबो तो कहबे दहनाल में की देबे खाय ले। दरभंगा जिले में आई बाढ़ ने कई गांवों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। आम लोग तो परेशान हैं ही, सरकारी मुलाजिम भी बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर हैं। दरभंगा से 70 किलोमीटर दूर कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के पानी में पूरा थाना डूब गया है। पुलिसकर्मी थाने से पलायन कर गए हैं, लेकिन काम तो करना है, लिहाजा सड़क के किनारे ही थाना लगा दिया गया है और वहीं से कामकाज निपटाया जा रहा है। जो सरकारी कर्मी है वो भी बाढ़ की दंश झेलने को अभिशप्त दिख रहे हैं। इस वक्त न्यूज 18 की टीम कुशेश्वर स्थान थाने पर पहुंची और ये थाने की तस्वीर देखिए, चारों तरफ बाढ़ का पानी फैला हुआ है। हालांकि बाढ़ के पानी में जो पुलिसकर्मी हैं वो थाना छोड़ चुके हैं और सुरक्षित स्थान पर बगल में शिफ्ट कर गए हैं। हाँ, ड्यूटी कर रहे हैं। कब तक बाढ़ का पानी आता है? हर साल आता है पानी। तो कैसे आप लोग काम कर पाते हैं? कभी धर्मशाला में है, धर्मशाला पर चल जाते हैं, वहीं पर जाकर काम करते हैं। सरकारी काम अंदर में क्या क्या सामान है? सामान है वो कागज पत्र है, डायरी उड़ी रखा हुआ है। सब थाने के अंदर? थाने के अंदर। दरभंगा से सटे बिहार के सहरसा जिले का हाल भी देख लीजिए। यहाँ भी गांवों में कोसी नदी का पानी घुस आया है। लोगों की जिंदगी नावों के सहारे है, औरतें भी नावों के ही जरिए रोजमर्रा के काम कर रही हैं। जनता सरकारी मदद के लिए तरस रही है और अब नाराजगी आक्रोश का रूप लेती जा रही है। कोसी नदी उफान पर है और सहरसा जिले के केदली इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है और कई ऐसे घर हैं जहां 3 से 4 फीट तक पानी चला गया है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। यहां नाव से कहीं जाने उने का कोई व्यवस्था नहीं है, बिना नाव से कहीं निकल सकते ही नहीं है। यहां जो है अभी 8 फीट 9 फीट पानी है, कहां जाएंगे हम लोग? रोड पर देखिए 7 फीट पानी है, 8 फीट पानी है, कहां जाएगा लोग बिना नाव से? पूर्णिया में लाखों लोग हर साल बाढ़ और कटाव की पीड़ा झेलते हैं, तो इस साल भी यहां के बाशिंदों का हाल बुरा ही है। देखिए कैसे गांव में सड़क का नामो निशान ही नहीं है, तो महिलाएं बांस बल्लियों से बनी नाव से जान जोखिम में डालकर घर का कामकाज करने को मजबूर हैं। कुछ महिलाएं घास काटकर कनकई नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक एक महिला नाव से गिर गई, जिसे किसी तरह बाहर निकाला गया। और यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है और लाखों लोग बेघर होते हैं। अभी जैसे मैं चनकी गांव में हूँ, यहाँ पे लगभग 20 घर बाढ़ में मतलब धस गया और यहाँ के लगभग 100 लोग बेघर हो गए हैं और सरकार के तरफ से अभी तक कोई भी मदद नहीं मिला है। किशनगंज जिले में कटाव जोरों पर और जिंदगी सैलाब से जंग लड़ रही है। यहाँ कुछ गाँव वाले कनकई नदी में बिजली के खम्भे को बहने से रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तभी नदी के तेज बहाव में बिजली का खंभा गिर गया और दो लोग बहने लगे। ऐसा लगा कि ये सैलाब में समा जाएंगे, लेकिन गनीमत ये रही कि इन दोनों ने पेड़ की टहनी पकड़ ली, जिसके बाद गांव वालों ने इन्हें बाहर निकाल लिया। छपरा में भी बाढ़ से तबाही जारी है। यहाँ के 67 गांव जल समाधि ले चुके हैं। यहाँ थाना, प्रखंड मुख्यालय और हॉस्पिटल से इन गांवों का संपर्क टूट चुका है, तो बाढ़ के मारे लोग बेचारे पेड़ की टहनियों पर चारपाई लगाकर दिन काट रहे हैं। देखिए कैसे लोगों ने पेड़ की टहनियों को अपना घर बना लिया। दिक्कत बा, जे 4 दिन से दहार आयल बा, कोनो घर सुविधा ना मिलल हमनी के, बहुत दिक्कत बा ना। घर में भी पानी घुस गल बा, तिरपाल और पाल खाना खुना के कोनो व्यवस्था नहीं है, ना राशन उशन कोनो कुछ नहीं के व्यवस्था भय। मुखिया लगे जाते हैं, मुखिया कहता है उसे मतलब नहीं है, मारा मारी करे ला तैयार हो जाता लोग। बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बाढ़ के कारण बिहार में करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के 12 जिलों के 1000 गांव सैलाब का सितम झेल रहे हैं। बिहार की 19 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बचाव और राहत कार्य के लिए NDRF और SDRF की कुल 26 टीमें तैनात की गई। नेपाल में हो रही बारिश, बिहार में बादलों का बरसना और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने तबाही मचा रखी है। सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद का
दावा तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सरकार और सिस्टम में सामंजस्य की कमी की वजह से लोग सैलाब के बीच दाने दाने को मोहताज हैं। एक बहुत बड़ा सच है कि सैलाब आता है तो तबाही के निशान पीछे छोड़ जाता है। बिहार के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। असम की बात करें तो यहां करीब 17 लाख लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से अब तक 107 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ की वजह से 187 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 30 जिलों की 1937 सड़कें जलमग्न है। यही नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क का 65% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी सब कुछ बर्बाद करना चाहती है। तो वहीं पहाड़ों में भी हाल कम बुरा नहीं है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तो बादल फटने से लेकर भूस्खलन तक की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि मकान जमींदोज हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। पहाड़ तोड़ बारिश से देवभूमि उत्तराखंड का जर्रा जर्रा कांप रहा है। बिहार तो बिहार, देश के अलग अलग हिस्सों में आफत मूसलाधार बरस रही है। बिहार के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी सूबे पर सैलाब की मार पड़ी है तो वो असम है। तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि किस तरह असम में जल तांडव ने लोगों को परेशान कर रखा है। यहाँ के सैकड़ों गांव को पहले से ही जलमग्न हो चुके थे, अब बाढ़ का पानी शहरों में भी घुस आया है। ये गुवाहाटी के करीब एक मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे बाढ़ का पानी मेडिकल कॉलेज की दरों दीवार को अपनी आगोश में ले रहा है। टेबल, कुर्सियां और बेड पानी में डूब गए। डॉक्टर और नर्स पानी के बीच मरीजों का इलाज कर रहे हैं। असम में बाढ़ से करीब 17 लाख लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से अब तक 107 लोगों की मौत हो चुकी है। असम का गोवालपारा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। गोवालपारा के 4 लाख लोग बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। असम में बाढ़ की वजह से 187 पुल क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 30 जिलों की 1937 सड़कें जलमग्न हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का 65% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। असम से सटे पश्चिम बंगाल में भी नदियों का पानी तबाही का शोर मचा रहा है। देखिए वर्धमान में किस तरह लोग उफनती अजय नदी को जान हथेली पर रखकर पार कर रहे हैं। यहाँ कोई पुल ना होने की वजह से लोग बांस और टायर से बनी नाव के जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने को मजबूर है। इस कमजोर नाव पर लोग साइकिल और बाइक भी लादे हुए हैं। यही नहीं, नाव चलाने वाला जगह की कमी की वजह से पानी में डूब कर इसे खींच रहा है। ए मानुष गुलो ने जीवने एतो झुक जे कतो मानुष मारा जाच्छे, कतो मानुष नये हो जाच्छे, साइकिल चले जाच्छे, मोटरसाइकिल चले जाच्छे, কাউরে মা মরেছে, কাউরে বাবা মরেছে, কেউ হাসপাতালে ভর্তি আছে, তাদের দেখাশোনা করা খুব অসুবিধা মানুষ ভোগ করছে। পাহাড়ো মে ভি বারিশ নে তবাহি মচা রাখি। পিথোরাগড় কি তসবিরে দেখি, কহি রস্সি কে সহারে রেসকিউ অপারেশন কিয়া জা রাহা, तो कहीं पहाड़ों से आए मलबे में बस फंस गई। पिथौरागढ़ में कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो गए। पहाड़ टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं। नदियों का पानी गांवों में घुसने लगा है। तूफंते बरसाती नाले कटाव की वजह बन गए। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। लोगों की जिंदगी मझधार में फंस गई है।
एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ बाढ़ ने जीना दुश्वार कर दिया। कुदरत का रौद्र रूप डरा रहा है, इंसान ऊपर वाले से रहम की भीख मांग रहा है। सिस्टम सुस्त है, प्रशासन गहरी नींद में, ऐसे में मानसून लोगों पर भारी, बहुत भारी पड़ने वाला है।